गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग अलग चुनाव कराने की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये सीटें अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा सदस्य बनने से खाली हुई हैं। अलग अलग अधिसूचना जारी होने के चलते दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिल जाएगी, क्योंकि वह आपको बता दें कि प्रथम वरीयता वोट नए सिरे से तय होंगे। एक साथ चुनाव होते तो कांग्रेस को एक सीट मिल जाती। इन दोनों पर अलग अलग चुनाव कराने पर कांग्रेस नेता परेश भाई धनानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 की वजह से राज्यसभा में 6 सीटें खाली हुई हैं, जिन पर अब उपचुनाव होंगे। 6 सीटों के लिए 5 जुलाई को उपचुनाव होंगे। ये 6 सीट है उड़ीसा, बिहार और गुजरात की। इसमें एक सीट बिहार से है, 2 सीट गुजरात से है और 3 सीट उड़ीसा से है। चुनाव आयोग ने इन सीटों को भरने के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान शनिवार को किया है। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में राज्यसभा उपचुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और जयम ठाकुर के नामों की लिस्ट जारी की है। दोनों ही प्रत्याशी आज अपना अपना नामांकन भरेंगे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है।